धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की बात जब होती है तो खूबसूरत वादियों, झीलों की सुकून देने वाली बातों के साथ ही अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जो डराने वाली, दहशत पैदा करने वाली होती हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर यकीन हो जाएगा कि धरती के स्वर्ग पर सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी रहते हैं जो अमन चैन के साथ रहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ हासिल करना चाहते हैं। आज सफलता की कहानी ऐसी ही बहनों की, जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और आज तीनों बहनों ने नीट एग्जाम को पास कर लिया है। ये सफर इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि कश्मीर जैसी जगह पर रहकर जहां पर आए दिन आतंकवाद के साए में लोग रहते हैं, जहां पत्थरबाजी होती रहती है, स्कूल कॉलेज आए दिन बंद रहते हैं, ऐसे में खुद को ऐसी कठिन परीक्षा के लिए तैयार करना और उसमें सफलता हासिल करने का सफर आसान नहीं था। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में भी इन तीनों बहनों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया और तीनों बहनें अब डॉक्टर बनेंगी। श्रीनगर के नौशेरा की रहने वाली तुबा, रुतबा बशीर और अरबिश तीनों बहनों ने अपने पहले ही प्रयास में अच्छे नंबरों के साथ देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली नीट यूजी को पास कर लिया है। दो बहनें जुड़वा हैं और एक चचेरी बहन है। ये तीनों ही बहनें मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हुए कश्मीर जैसे इलाके में चुनौतीपूर्ण माहौल में इस कठिन परीक्षा को पास किया है। तीनों ने श्रीनगर के इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कोचिंग की। अपनी मेहनत और अपने परिवार की मदद से नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया। ये लोग जहाँ पर रहते हैं उस इलाके में आए दिन पत्थरबाजी, दंगा फसाद होता रहता है। ऐसे में इन तीनों बहनों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, कॉलेज की पढ़ाई की, नीट की तैयारी के लिए कोचिंग भी गए और अपनी मेहनत के बलबूते इस मुकाम को पा ही लिया। लेकिन तीनों के मन में एक बात थी कि शायद एक दिन कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे और हम अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगे। आज उनकी इसी उम्मीद को ऊपर वाले ने भी सुना, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो कुदरत भी उसे दिलवाने में हमारी मदद जरूर करती है। तीनों बहनें कहती हैं कि करीबन 2 साल से कश्मीर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। जो चुनौतियां इन्हें स्कूल के दिनों में झेलनी पड़ती थी, अब उन हालातों में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों की इस परीक्षा की तैयारी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। आज इन बहनों की उम्मीद इनके बुलंद हौसलों की वजह से ये मुकाम मिला है। इन तीनों ने अपने जज्बे को कभी कम नहीं होने दिया, अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आने दी, इसलिए आज सफलता के इस शिखर पर ये तीनों बहनें पहुंची हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।